देवास्म कृषि भूमि पर जबरन फसल काट कर ले जाने व कृषि भूमि व मकान पर जबरन कब्जा करने प्रयास करने की शिकायत जिले के ग्राम गाजनोंद खेड़ा निवासी जगदीश पिता रामसिंह ने कलेक्टर से जनसुनवाई में आवेदन देकर की। पीड़ित गरीब कृषक ने बताया कि मेरी कृषि भूमि ग्राम गाजनोंद खेड़ा पटवारी हल्का नंबर 99 तहसील टप्पा बरोठा में भाई मांगीलाल के नाम से स्थित है। मेरे भाई पूनम चंद्र राम भाव ताराबाई अन्नपूर्णाबाई तथा मांगीलाल ने अपने हिस्से आई कृषि भूमि को पूर्ण रूप से बेच चुके हैं। मेरे हिस्से में आई भूमि 0.25 हेक्टेयर पर काबिज होकर खेती करता आ रहा हूं, लेकिन मेरे बड़े भाई मांगीलाल ने मेरे साथ हमेशा गाली गलौज कर प्राण घातक हमले किए तथा जान से मारने का भी प्रयास किया। इसकी शिकायत कई बार स्थानीय बरोठा थाने में की, लेकिन आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई। मेरी कृषि भूमि व मकान पर मांगीलाल एवं उसका पुत्र अजय, पत्नी चेतना बाई जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर कार्य कर रही है, सभी मारपीट कर हर कभी जान से मारने की धमकी देते हैं। ये आरोपी रात में खेतों से फसल भी काट कर ले गए। पीड़ित कृषक जगदीश ने आवेदन देकर मांग की है कि आरोपियों पर कार्यवाही कर मेरी कृषि भूमि व मकान का कब्जा दिलाया जाए। कब्जा करे जमीन हमारी नहीं, मेरा हिस्सा की जमीन बराबर की हमारे बहन भाई की, हमारा ये एक भाई नाटक कर दिया हमारा कभी मांगे ला लिखा दिया वो सब बहन मेरा जी हम सब कौन से गांव का मामला है? गाजनोद खेड़ा का मामला है। गाजनोद खेड़ा का मामला, तो आपके सम्मिलित खाते की जमीन थी क्या? सम्मिलित खाता है हमारा, अभी छटनी हुई हम बंटवारा का करना है, बराबर जमीन नापना चाहे हमारे। हाँ, उनके पास जमीन ज्यादा है, इनने हम तो भेड़ा में बेच दी थी जमीन बराई की। हाँ, वो खराब तो नहीं के बेच दो भेड़ा में अपन। हाँ, माँ बाप को कर्जा था, उनके ब्याह शादी कराया इनका सबका, मैंने बेच दिया। सबसे बड़ा मेरी था करने, तो मेरी सही थी उसमें, तो मेरी सही उन्होंने रेस्टोरेंट में क्या देखा था उसने, बराए में हिस्सा नहीं ऐसा लिख दिया उसने रजिस्टर में जिसने जमीन खरीदी उसने। कितने बीघा जमीन का मामला है? वो जमीन जमीन आया 3-3 बीघा हमारे। अच्छा, सब हिस्सा करो तभी तुम्हारे हिस्से के 3 बीघा जमीन नहीं दे रहे? हाँ। कौन नहीं दे रहा है? ये मांगीलाल ने, पूनम चंद सभी। ये कौन है? मेरे भाई है, बड़े भाई है। छोटा है सब, मैं सबसे सबसे बड़ा नहीं हूँ। अच्छा, आप कह रहे थे मैं अभी इंदौर आ गया, मैं माँ माता पिता शांत हुई जब से। अच्छा, इंदौर आ गया था मैं कमा खाने का इंतजार हूँ। अभी कलेक्टर ऑफिस में आपने आवेदन दिया, क्या बोले साहब, क्या बोले? कंप्यूटर में बोला कार्रवाई होगी। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।